हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन की कतली की सब्ज़ी। मेरे पास ये भजिए का बेसन बचा हुआ था थोड़ा सा, तो उसे मैंने स्टीम कर लिया था ऑलरेडी। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्ची, थोड़ा हल्का भून लेंगे। इसके साथ में हम थोड़ी दालचीनी काली मिर्च टमाटर इसे हल्का ब्राउन करें, हल्का भुनेंगे ज़्यादा नहीं। इसे हम पानी वो कर सुखा लेंगे, थोड़ा सा नमक इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद में हम मसाला फुला देते हैं ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा चिकन मसाला पाउडर डाला है मैंने, जीरा पाउडर डाला है। इसे पानी डालकर फूलने रख देते हैं। इसके बाद में हम ये जार में, मिक्सर जार में ये पेस्ट जो हमने भुना था उसे लेकर हम पीस देंगे। ग्राइंड कर लिया है इसे, तेल कढ़ाई में तेल रखा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा जीरा, मेथी, तेज पात, इसमें कड़ी पत्ता, मिर्ची, थोड़ी सी मेथी दाने डालेंगे। इसमें ज़्यादा अच्छा जो पेस्ट हमने पीसा हुआ था उसे डाल देंगे। धीमी आंच में इसे चलाते चलाते हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। जो हमने मसाला फुलाया था उसे डाल दिया। यहाँ साइड में हम एक तवे में थोड़ा सा तेल डालकर वो कतली को थोड़ी हम सीख लेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला धीमी आंच में भुन रहा है, ढककर पकाएंगे। काजू कतली को थोड़ा सा हम इसे सिकाए सेक लेंगे उलट पलट करके, क्योंकि इसमें टेस्ट अच्छा आता है। कच्चापन चला जाता है तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। ये हमारा मसाला भुन रहा है, भुन गया। इसमें थोड़ा हम पानी डाल देंगे, पानी डालेंगे फिर ये हम कतली डाल देंगे। इसे ढककर पकाएंगे 5 मिनट पकाएंगे। इसमें नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, इसे थोड़ी कसूरी मेथी इस करके डाल दिया मैंने हाथों से। ढककर का थोड़ी देर उसे मैंने मलाई रखा था, इसमें मलाई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मलाई कोफ्ता भी इससे इसके आगे फेल है, तो मलाई कोफ्ता के हिसाब मैंने इसमें थोड़ा सा मलाई डाला है। इसे ढक करके पकाएंगे। गाइस, ये बनकर हमारी